हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रात है तभी भी पहले व्लॉग स्टार्ट कर दिया, बट आज एक मेहमान आया मेरे घर पे नहीं, मेरे रूम में, तो उसको मैं मिलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और मेहमान के स्वागत के लिए बन रहा है आज ग्रीन टी बन रहा है। मेहमान ये है, मेहमान मेरा, हाय हाय। और ये क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल, ये मेरा फ्रेंड है, वैसे भी बहुत दिन से हम लोग जानते हैं, जब से मैं इधर से आया हूँ। ये बांग्लादेश का है और स्पेशल इसलिए बिकॉज अगर ये लोग मोटिवेट नहीं करते तो आज मैं यूट्यूब नहीं स्टार्ट करता और यूट्यूबर अगर शायद नहीं बनता। और ये लोगों ने मेरा पहला वीडियो शूट किया था, ये और एक फ्रेंड है बांग्लादेश का, मैं बाद में मिलाऊंगा। तो बेन अभी भी पढ़ रहा है, जस्ट फिनिश स्टडी। अभी एक कितना बजा है, 11:33 हो रहा है, अभी एक खत्म है, फिर करके अपने केज में हल गया वापस से। और हम क्या करेंगे अभी, बेन यू वांट ग्रीन टी ऑल्सो राइट? नो, व्हाई? दिस इज रियल हिम, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग हिम टुडे, कि ये जो है ना, ये बहुत शाय और इसे बंदा दिखता है ये वीडियो में, कि बोलेगा, सब लोग बोलेंगे बड़े बहुत चुप्पा बंदा है, कोई चुप्पा नहीं है ये। हम मेरा तो जान निकाल देता है कभी कभी। एक दिन क्या किया इस लोगों ने, दो दिन पहले मैं अंधेर, पूरा लाइट्स ऑफ था, मैं उधर ऐसे बैठ के और फोन में देख रहा हूँ, जब फोन में देख रहे हो ना तो लाइट ज्यादा आग पे आती है तो आपको कुछ और बात में नहीं देता। एक मिनट पे यहाँ पे था, दूसरे मिनट में मेरे ऊपर ऐसे आके कर रहा है भाई, मैं जो चिल्लाया हूँ इसके कारण से। ग्रीन टी रेडी हो गया विस्टर्स के लिए, एक ही विस्टा है, विस्टर्स बोल रहा हूँ, मैं इसमें ही बना लेता हूँ ग्रीन टी। सबसे बड़ा तो पता होगा मेरा ही है, बिलीव इन योरसेल्फ, इतना चाय पी के बिलीव इन माई सेल्फ। अरफात नहीं है, अरफात का है, अच्छा नहीं, वो तो दूसरा फ्रेंड है, मैं जिसका बता रहा था, वो मेरे साथ की वीडियो मेरा पहला शूट किया था, उसका नाम अरफात है। तो वो उस दिन आया था दिवाली के बाद वाला दिन, तो मैं वीडियो शूट लेकर मैं भूल गया था एक्चुअली, जो स्टोरी में हमारा कैसे टाइम निकल के पता ही नहीं चला। और ये बेर का कप है, सबसे छोटा कप, सबसे कम पीता है। मेरे रूम में देखो, अब बुक पढ़ाई कर शुरू कर दिया भाई, हम लोगों से एग्जाम का पढ़ाई नहीं होता, आप इससे करो। और मेहमान के लिए चाय रेडी है, चाय भैया, थैंक यू, हाथ मत जला लेना, थैंक यू। ये ले, ये इंसान फोन से निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे सेल्फ सर्विस के लिए कोई मौका नहीं देते हम, तो इसको हम लोग सर्व करते हैं, सर्व। और मेरा जाइगेंटिक कप, जाइगेंटिक कप, चीयर्स ब्रो, चीयर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। आज टुडे विल बी द 24th ब्लॉग, चीयर्स टू माय रूममेट। और ये चीयर्स कर रहा है अपने चम्मच से। सो बस इतना ही आप लोगों से बोलना था, अब हम लोग जाते हैं, एक घंटा हम लोग स्टोरी करेंगे, फिर उसके बाद में सो जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह, एग्जाम के लिए जाना है, गुड नाइट। 6.5 hours later. Morning guys, welcome back to the channel. सुबह हो गई है, ये व्लॉग तो कल रात से स्टार्ट है। Say good morning. Good evening. We are going to do exam. Twinning, room twinning. Are you going to do exam or are you going to party? Everything to me is same. Imagine smart people, the paper is also easy. Having bread and chai, my chai is also here. I hope कल का जैसा कॉफी जैसा नहीं होगा, ये अच्छा है, चाय इनका अच्छा होता है। टाइम ऑलरेडी होने वाला है, 6:49 हो गया, 7 बजे बस लीव करेगा। और मैं इतना देर में उठा हूँ, सुबह 4 बजे पता नहीं क्यों मैं कैसे उठ गया, अलार्म लगा था गलती से, रॉन्ग अलार्म लग गया, 4 बजे में उठ गया, फिर 4 बजे उठ के मैं अपना बेड सेट किया, फिर उसके बाद में फिर सो गया, क्या इंसान हूँ मैं। तो मैं मिलता हूँ आपको स्कूल में या एग्जाम ख़त्म होने के बाद, और अगर शायद मैं कुछ टाइम मिलेगा तो मैं बीच में शूट कर लूँगा, वरना एग्ज़ाम टाइम है तो ज़्यादा रश होगा आज और ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा मैं। एग्ज़ाम के बाद मैं मिलता हूँ आपको, आई होप मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। और थोड़ा नर्वस हूँ मैं, थोड़ा पैनिक अटैक हो रहा है मुझे, बट पेपर उतना हार्ड भी नहीं होगा, आई विल बी एबल टू मैनेज इट। देर हो गया, वरना बस मुझे छोड़ के चलेगा। बेन लेट्स गो, कम
ये अभी बंदा सुबह सुबह भी फोन यूज करने के लगा. टिंग टिंग लेट्स गो. लाइट अभी भी ऑफ है, सब लोग सो रहे हैं. मैं ऑन कर देता हूँ. इतना जल्दी जल्दी करके आया, सोचा अभी बस मेरा छूटने वाला. अबे ना बाहर आए, अब आ रहा है. इतना जल्दी जल्दी करके आया, सोचा मेरा बस ना छूट जाए. एग्जाम डे है, यहाँ पे आए तो बस का नामो निशान ही नहीं है. नो बस और नो स्टूडेंट. अभी कोई स्टूडेंट भी नहीं आया. मैं सबसे पहला बुक में भी मेरा नाम सबसे पहला ही था. तो ठंड भी लग रही है. सुबह सुबह नहा लो ना. पता नहीं क्यों मुझे ठंड लग रही है. बीमार नहीं होना है मुझे. बीमार नहीं होना. व्हाट आर यू डूइंग? यू ब्रोक योर फोन. आर यू? ही जस्ट 2 minutes अगो ही ब्रोक हिज फोन. How do you feel? I'm good. Can you feel my pain? No, it's not broke. इसका ऊपर का खाली ग्लास ही टूटा है. मेरा पूरा ग्लास नहीं टूटा है. ऐसा बोल रहे हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है. फोन ऐसे दिख रहा है कि ऐसे मोटे सा स्क्रीन है ऊपर. सोचा वो स्क्रीन प्रोटेक्टर. ये अपसेट है. अपसेट ऑन द डे ऑफ एग्जाम. चिल ब्रो, इट्स ओके, इट्स फाइन. आईफोन है, आईफोन बिगड़ा हुआ है, वो बनाना है. और ये हो गया, इसके फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया था है. तो ये हो जाएगा. इतना क्यूट सा डॉग है. वाह, गोल्डन रिट्रीवर. सबसे फेवरेट ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर. वंस मुझे खरीदना है. वंस व्हेन आई मूव टू माय होम, बैक होम, तब लेना है. पार्ट अबाउट हमारा कॉलेज का, यहाँ पे स्पोर्ट्स और एनी टाइम एनी इवेंट इन हाउस होता है. तो ये बिल्डिंग सिर्फ स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड आईटी है. ये यहाँ पे और कोई किसी का कोर्स नहीं होता. जितना स्कूल है सब सेपरेटली होता है. एक CMS अलग होता है और सब कुछ अलग. तो यहाँ पे देखिए नीचे, ये यहाँ पे वो भी खेल सकते हैं बास्केटबॉल. बास्केटबॉल का भी है. और कुछ भी इवेंट होता है यहीं पे होता है. ये मॉर्निंग में अभी देखो कुछ कल इवेंट हुआ था. स्टूडेंट काउंसिल का कुछ मीटिंग है, सब कुछ है. स्कूल ऑफ कॉमर्स में ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई वाला नहीं, तो सारा कॉमर्स ही पढ़ते हम. अब मैं मिलता हूँ आपको एग्जाम के बाद. मैंने सोचा मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, बट ये स्कूल खाली था तो मैं शूट कर लिया. हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट डे हो गया है. अराउंड ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए. कल वीडियो लास्ट शूट किया था. एग्जाम था जब सैटरडे को लास्ट वीडियो जब शूट हुआ. आप तो पहले वाले ब्लॉग, ये ब्लॉग में देखा होगा आगे. रीज़न ये है कि आज मैं बहुत देर ऐसे बैठ के शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आज आप लोगों को कुछ बताना है. कल क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम के लिए एक्साइटेड था, प्रिपेयर था. कल गया एग्ज़ाम के हॉल में, उससे पहले हॉल टिकट लिया. हॉल टिकट हो गया, कल एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ गया. एग्ज़ाम करने लगा कि कब तक 2 teachers आए और मेरा नाम रोल नंबर अनाउंस किया कि आप बाहर आइए. तो मैं बाहर गया तो उन लोगों ने बोला कि अपने पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स भी साथ में लेके आओ, हॉल टिकट भी, बाकी जितना चीज़ था मेरे पास बैग वैग वगैरह सब लेके आ जाओ. तो मैं आया बाहर तो उन लोगों ने बोला कि आप एग्ज़ाम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रीज़न उन लोगों ने मुझे दिया है कि आपका अटेंडेंस कम है और आप क्वालिफाई नहीं होते फाइनल एग्ज़ाम करने के लिए. तो पहले तो मुझे पता था कि मेरा अटेंडेंस कम है क्योंकि मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के कारण से और मुझे फूड पॉइजनिंग के कारण से मैं क्लासेस नहीं गया था बहुत ज़्यादा. तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कि इतना अटेंडेंस तो था कि आई कैन रियली राइट एंड आई नो व्हाट इज़ गोना कम इन द एग्ज़ाम एंड ऑल. सो फिर उसके बाद में मैं गया कोऑर्डिनेटर से बात किया. उन लोगों तो तैयार भी नहीं है सुनने के लिए कि मेडिकल रिपोर्ट लेने के भी तैयार नहीं है, कि डॉक्टर्स मेरा मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए भी रेडी है. तो ऑल सेट एंड डन फिर उन लोगों ने बोला कि हम आप लोग के एक हफ्ते बाद कॉल करके. और मेरे साथ ये नहीं हुआ है. एक स्टूडेंट है दुबई से, अबू धाबी से, स्टूडेंट से नाइजीरिया से, अदर कंट्रीज, मेनी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, फीजी से. तो बोला है कि एक हफ्ते बाद उन लोगों को कॉल करेंगे जो अगले ये हफ्ते है, फर्स्ट वीक है, बिकॉज हमारा ऑफिशियल एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 19th को.
तो और तो मुझे और मुझे हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से तो बात हो गई है, तो कल आप जाके बात करना है मंडे को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर से, तो कल जाके उससे बात करेंगे कि क्या हल निकल सकता है कि हम लोग एग्ज़ाम बैठ सकते हैं एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के लिए, कि कुछ कि रिपीट करना पड़ेगा या कुछ भी, क्या प्रोसीजर है उनका, कि आई होपफुली कि दे आर रेडी टू लिसन टू अस, बिकॉज थोड़ा सा इग्नोरेंस आ जाता है वहाँ पे कि दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई अवर स्टूडेंट वाज मिसिंग, बिकॉज मेरे पास सेमेस्टर के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं और मैं दो डिग्री कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों से बताया भी है, एक यूएसए से, तो यूएस का जो डिग्री था उसका दो पेपर्स फाइनल एग्जाम का आर्ट्स था मेरा, मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसका पासिंग मार्क इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, मल्टीपल चॉइस होता है, बट ऐसा नहीं, ऐसा मल्टीपल चॉइस होता है कि उसका आंसर इतना कॉम्प्लेक्स करके वो देते हैं कि आप सारे से चकरा जाएगा, तो मैं उसके लिए भी ज़्यादा प्रिपेयर था, बिकॉज इंडिया में थोड़ा कंपेयर टू यूएस इंडिया में थोड़ा इजी एग्जाम होता है देन दया, और मुझे मेंटेन करना है स्कॉलरशिप के लिए कि आई हैव टू मेंटेन 3.5 GPA आउट ऑफ 4 टू कीप ऑन द स्कॉलरशिप गोइंग, तो यही सब रीज़न था, और मैं कल बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया कि इतना एक्साइटेड था मैं फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मेरा 1.5 ईयर्स हो जाएगा इंडिया में, तो 1 ईयर एक्चुअली हो जाएगा, 1.5 ईयर्स पढ़ाई का हो जाएगा, 3 semesters, तो यही के लिए कल मैंने कुछ शूट नहीं किया, घर आया सो गया, फिर अच्छे से खाना भी नहीं खाया, आज लंच भी नहीं किया है, अभी तक डिनर भी नहीं मैंने किया, सुबह तक ब्रेकफास्ट किया था और शाम को कुछ स्नैक किया था, और यही रीज़न है, मैं सोच रहा था कि कैसे शूट करूँ और कैसे आप लोगों से बताऊँ कि ये क्या हुआ, बट सीन्स अब लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग ये मेरा पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो ये बताना आप लोगों को तो बनता ही है। अब कल चलेंगे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो जेपी नगर में है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट नहीं, जो कोऑर्डिनेटर्स डिपार्टमेंट होता है, दूसरा कैंपस है जेपी नगर में, वहाँ जाना है मुझे, मैम से बात करना है कि आई होप दे आर रेडी टू लिसन टू मी एंड एवरीथिंग, और मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या बताऊँ आप लोगों से, और दैट्स इट, दांत का भी दर्द थोड़ा राइट ठीक है, और मैच देखा आज, मैच अच्छा था, इंडिया प्लेड वेल, साउथ अफ्रीका जीत गया तो कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा अपसेट हो गया फिर मैं उसके कारण से, कि गेम के लिए भी मैं थोड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, और दैट्स इट, ये व्लॉग यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, और ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं है, चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ज़्यादा टेंस में हूँ, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लीव अ कमेंट एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, आई से इट अगेन, सो मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।